Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go, go, go to the deepest end. Namaskar dosto, to सब ठीक ठाक होगा तो आप देख रहे हैं मोटरोला एज 20 प्रो। हालांकि उससे भी आज न्यूज है तो चलिए बिना ही करते हुए चलते हैं अपने न्यूज पे। बच्चों और बूढ़ों का पड़ा हम तो चलो भाई देखो अपने क्या। तो पहले रियलमी से, रियलमी कहते ला रही है रियलमी जी टी नियो 2, जो कि मैंने पहले से कहा था, बोले यार अक्टूबर में शायद अगर लास्ट अक्टूबर तक लॉन्च हो जाए। एंड बात यह कि अगर रियलमी जी टी मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन की, जी टी मास्टर एडिशन तो अपने इंडिया में आ चुकी है, बट बोला जा रहा है कि जी टी मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन की मांग भी हो रही है। देखते अभी तो बोली यार नहीं लॉन्च होगी, तो सही बात है। फिर टिकवॉच से, टिकवॉच ला रही है टिकवॉच प्रो 3 अल्ट्रा, टिकवॉच जी टी एच प्लस और टिकवॉच जी टी एच प्रो, जो कि आने वाली है, जो कि बोली जा रही है कि एडवांस हर्ट रेट और मेजरमेंट के साथ आएगी। हालांकि बीपी रहेगी, बाकी सब चीज़ रहेगी, तो ये अच्छी बात है। फिर रेडमी से, रेडमी लाई है रेडमी नोट 7 और रेडमी नोट 7 एस की MIUI 12.5 अपडेट, जो कि इंडिया में आ चुकी है, जाके आप अपडेट कर सकते हैं। फिर भी रेडमी से, रेडमी लॉन्च किया रेडमी नोट 10 लाइट विथ स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर के साथ। बोली है 60 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरा, 48 मेगापिक्सल बैक कैमरा, 6.7 इंचेस की डिस्प्ले, 18 वाट की चार्जिंग और 5020mAh की बैटरी, जो कि भैया प्राइस बोली गई है 12,749 रुपये। तो आपको पता नहीं है कि ये भी एक का कहते हैं रीब्रांड करके आए, वो भी रेडमी नोट 9 की। तो रेडमी कम से कम सुधर जाओ, कितना कॉपीराइट करोगे। फिर ऑनर से, तो ऑनर 50 की लॉन्चिंग डेट आ गई है यूरोप में, जो कि बोल रही है 26 से अक्टूबर को लॉन्च होगी, तो ये अच्छी बात है। फिर लेनोवो से, लेनोवो लॉन्च कर रहा है लेनोवो शाओशिन पैड प्रो 12.6, जो कि बोलती है इस पीस के लिए स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, 13+5 मेगापिक्सल कैमरा, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 10,200mAh की बैटरी और 45 वाट की चार्जर, 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ। फिर नोकिया से, नोकिया ला रहा है नोकिया जी 300, यस 300 आ रहा है, जो कि ऑफिशियली कंफर्म कर दी। बोली स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर के साथ 6.5 इंच की डिस्प्ले और 16 मेगापिक्सल की बैक कैमरा, 8 फ्रंट भी रहेगी और 4300mAh की समथिंग बैटरी है, तो ये अच्छी बात है। फिर ऑनर से, ऑनर पेटेंट किया एक रोलेबल डिस्प्ले की, तो बोलती एक रैप अराउंड रहेगा, एक रैपिंग टाइप में रहेगा, मतलब मीन्स कहते आप उस डिस्प्ले को रोल कर सकते हो, मोड़ भी सकते हो, ये तो आपके हिसाब से डिपेंड है। फिर एक भविष्य लाया है नया चिप, जो कि बोलती है 4G फोन्स के लिए है, नाम बोला गया है कायरिन 9000 प्रोसेसर, जो कि बोल रहे अभी तो अभी चिप शॉर्टेज की समस्या चल रही है, तो इसी को मैं उतार दिया हूँ, तो ये भी कहीं न चल जाए। फिर स्मार्टफोन्स के मामले में, तो स्मार्टफोन शिपमेंट इस महीने थोड़ी सी कम हो गई है, हालांकि अब अगर इसी महीने मतलब अक्टूबर में नहीं सितंबर में कम हो गई है। अब अक्टूबर में देखिए अक्टूबर में कितनी फोन्स बिकती है, आप जिसकी अज्यूम नहीं कर सकते, वो आप समझिएगा सेल आई है, परसों सेल स्टार्ट होगी, कितनी सेल लगेगी वो तो आप अज्यूम कीजिएगा। बोलिए यार ये बहुत सी अगर परसेंटेज गिर चुकी है सितंबर में, तो ये भी सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से। फिर अमेजोन से, तो अमेजोन पे जो चाइनीज कंपनी थी, लगभग 600 चाइनीज कंपनी बैन हो गई थी, वो फिर से वापसी कर रही है। बोलिए यार यूके की रिटेल कंपनी से बात किया गया है, यूएस की रिटेल कंपनी से बात किया गया, भैया हमको बुलाओ। ये बात इस वजह से चाइनीज में बैन हुआ था, चाइनीज कंपनी इसलिए बैन हुई थी क्योंकि वो जो रिव्यू देती है कंपनी, रिव्यू मिलती है कंपनी को, वो खरीद लेती है कंपनी। मीन्स अगर आप हैक करके आप रिव्यू बढ़ा सकते हो, अपनी प्रोडक्ट की रिव्यू बढ़ा सकते हो। अमेजोन इस बात पे गुस्सा था और बढ़ा लिया, हो गया भैया बैन कर दिया। फिर शाओमी से, शाओमी की MI 11 और MI 11i और MI 11 अल्ट्रा में आ गया एंड्रॉयड 11 स्टेबल अपडेट, टेस्टिंग के लिए आ गया है। अभी तो बीटा वर्जन आया था, अभी टेस्टिंग वर्जन भी आ गया स्टेबल की, तो अच्छी बात है, कई दिन बाद शायद स्टेबल वर्जन आ जाए तो ये धमाकेदार होगी। फिर ऑनर से, ऑनर की 50 लाइट आने वाली है, जो कि बोलती है ऑनर X20 की रीब्रांडेड करके आएगी, तो ये अच्छी बात है। फिर हुआवे और ZTE से, तो हुआवे ZTE की बात करूँगा, तो भाई US की लीगलाइजेशन, जो लीगलाइजेशन अथॉरिटी रहती है, जो कि भाई लीगल चीज़ को बैन करती है, बोली जा रही है कि यूरोप में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है हुआवे और ZTE, तो US में जो लीगल कंपनी है, मतलब लीगल कहते अथॉरिटी है, वो अब यूरोप में भी शिकंजा कर रही है कि भैया आप इसको हटाओ, ZTE और हुआवे टेलीकॉम को हटाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो ये एक तरफ से यार गलत बात है, एक कंपनी ग्रोथ कर रही है और आप उसके पीछे पड़ रहे हो, सही नहीं है। फिर बोल्ट से, बोल्ट आया है बोल्ट ऑडियो एयरबैग्स गियर पॉड्स 2 वाली स्टूडियो ईयरफोन, जो कि प्राइस है लगभग 999 रुपये, जो कि आएगी ब्लैक ब्लैक व्हाइट और ब्लू कलर में। वक्त बोलती है 10 मिनट में आप चार्ज करते हो 100 घंटे चलेगी,
बोलती है जो इसकी बैटरी लाइफ है वो 32 घंटे तक है। ये अच्छी बात है, मैं क्या कहते 1000 रुपये में आप कहते ईयरफोन पा रहे हो तो सही है। फिर भी एसएस लॉन्च किया इंडिया में, एसएस वीवो बुक 15 ओएलईडी लैपटॉप, जो कि बोलती है 60 GB रैम तक देगी आपको स्टोरेज और 60 GB रैम तक रहेगी। इसकी प्राइस बोली गई है 46,990 रुपये i3 कोर 11 जनरेशन i3 प्रोसेसर के साथ, जो कि बोलती है 15.6 इंच की डिस्प्ले और 512 SSD रहेगी। यह सॉलिड स्टेट ड्राइव तो अच्छी बात है। फिर डायसन से डायसन लॉन्च किया है डायसन प्योरीफायर हॉट एंड कूल हॉट एंड कूल दोनों रहेगा एयर प्योरीफायर है, जो कि बोलती है कि S30 फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ आएगी, तो ये अच्छी बात है। मतलब एक प्राइस भी आप सुन लीजिए, प्राइस है 45,990 रुपये एक एयर फिल्टर के लिए, आप 45,900 रुपये खर्चा करेंगे तो आप सोच के बताइएगा कि ऐसी कंपनी है डायसन। हालांकि ये लेवल भी अच्छी है, बट कहते आप सोचिएगा क्या मैं ये कंपनी पर खर्चा करूँ, खुद सोच के बताइएगा। फिर सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 2 में आ गया है अपडेट, जो कि बोलती है अक्टूबर की सिक्योरिटी पैच को ला दिया है। अब ये 2 में आया, 3 में कब आती है तो पता नहीं चलेगा। फिर हारमोनी ओएस से, तो हारमोनी ओएस टीजर की है हारमोनी ओएस 3, जो कि बोलती है जल्दी आने वाली है। फिर वे यूएसबी से, तो टाइप सी जो केबल लगती है आपकी अब उसमें लगेगी लोगो, जो कि बोलती है 3 टाइप टाइप सी आएगी, मतलब टाइप सी का भी पार्ट है। यस, कितने वाट की रहेगी, कितनी सपोर्टिंग रहेगी, कौन सी ब्रांड रहेगी, मतलब ब्रांड तो आती रहती है बट बोले थी कितनी स्टेबिलिटी रहेगी, इस अच्छी बात है। फिर ओप्पो ने लॉन्च किया ओप्पो A55, जो कि लॉन्च होगा अपने इंडिया में। स्पीस की बात करूँगा 6.5 इंच की डिस्प्ले, 60Hz की रिफ्रेश रेट के साथ, हेलो जी 35 प्रोसेसर, 60MP की फ्रंट कैमरा, 50MP बैक कैमरा, 5000 की बैटरी, 18W की चार्जिंग, 15,490 रुपये प्राइस पेड कीजिएगा। हालांकि कहते अभी तो डिस्काउंट चल रहा है, अमेजोन पे 3 अक्टूबर को सेल लगेगा, ताकि आप परचेस कर सकते हैं। फिर मोटरोला से, तो मोटरोला लाया है G31, जो मैंने पहले से बताया था, एक और स्पीस लीक हुआ जो कि बोलती है 50MP कैमरा और 4800mAh की बैटरी और 10W की चार्जिंग के साथ, और कुछ बेहतरीन फोटोज को लीक हुआ है, चार्जर वार्जर सब पॉइंट, बैटरी वैटरी सब लीक हुई है, आप जिस तरह देख रहे हैं। फिर रियलमी बोली है चाइना में कि मैं लगभग 2 ईयर्स का मेंटेनेंस अपडेट दूंगा पूरे मोबाइल में, तो ये अच्छी बात है, 2 साल का मेंटेनेंस अपडेट देगा, ये सही बात है। फिर सैमसंग से, तो सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में भी नहीं आएगी, बोली जा रही कि सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज में आएगी, बट बोला था नोट सीरीज बंद हो गई, बट नहीं, नोट सीरीज नहीं बंद हुई है, जो भी आदमी कहता है वो बेवकूफ है, क्योंकि नोट सीरीज अभी चलेगी बोला जा रहा है। फिर भी आईफोन से, तो आईफोन 13 प्रो मैक्स में एक बात कहा गया कि डॉक्टर इसको यूज़ करते हैं किसके लिए, माइक्रो कैमरा को मोड को ऑन करेंगे और आईज को चेक करेंगे, आँख को देखेंगे, कोई भी आँख में, मतलब आँख में कोई दिक्कत हो गया, आँख दर्द कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो माइक्रो कैमरा से जिस तरह आप देख रहे हैं उसी तरह के कहते हैं डेवलप किया गया, तो ये अच्छी बात है। फिर भी IQ Z5X कहते हैं लॉन्च होगी जल्द ही चाइना में, जो कि बोलती है अक्टूबर में कहते हैं लॉन्च होगी, हालांकि वहाँ की एक कंपनी है ई कॉमर्स कंपनी ZD लिस्टिंग वहाँ पे हुई है, तो अच्छी बात है। फिर भी एप्पल से, एप्पल बोलिए कहते हैं मैं डिलीवरी करूँगा एयरपॉड्स को किसके साथ, आईफोन 13 के साथ, जो कि फ्रांस में बोला जा रहा है आईफोन 13 और एयरपॉड्स फ्री में दे रहा है, मतलब एयरपॉड्स फ्री में दे रहा है उसी के साथ और आईफोन 13 में भी दे रहा है भाई इसी में। फिर वावे कहते 30 मिनट में डिलीवरी किया है, वो भी किसकी, वावे P50 सीरीज की, जो कि बोलती है 30 मिनट में रिकॉर्ड की है सिर्फ डिलीवरी का, तो ये अच्छी बात है। वावे की जो मॉल है, वावे मॉल चाइना में है, वहाँ की लॉजिस्टिक कंपनी डिलीवरी कंपनी 30 मिनट में डिलीवरी करी है फोन्स को, तो ये अच्छी बात है। फिर मोटरोला से, मोटरोला लॉन्च किया मोटरोला S20 प्रो इंडिया में, जो कि बोलती है 6.7 इंच की डिस्प्ले और 140Hz रिफ्रेश रेट का, 144Hz बात छोड़ दीजिए, मतलब 108MP कैमरा और स्नैपड्रैगन 780 प्रोसेसर, 30W की फास्ट चार्जिंग के साथ, 4500mAh की बैटरी, प्राइस है 37,000 रुपये। हालांकि आप जब 3 अक्टूबर खरीदेंगे तो आपको शायद 34 या 35,000 में मिलेगा, बट जो सैमसंग की M52 है वो भाई प्राइस है लगभग 35,000 रुपये, तो मैं इसी से भाई वो मोटरोला की H20 प्रो ना खरीद लूँ, आप खुद सोच के बताइए। फिर गूगल से, तो गूगल पिक्सल लाया है एक पर्सनल सेफ्टी ऐप, जो कि बोलती है अगर आप कभी इमरजेंसी में किसी जगह फंसे हो, मतलब किसी का फंसे नहीं हो, कि वो ये कहते कान ऑन कर दिया भैया, बोल रहा है कि ऑटोमेटिक वीडियो रिकॉर्डिंग चल जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक वीडियो रिकॉर्ड होने लगेगा, तो ये अच्छी बात है, क्या कहते हैं गूगल का एक पर्सनली सेफ्टी फीचर्स आया, सही बात है। फिर
ऑनर से, ऑनर लाने वाला है ऑनर मैजिक्स एक्स फोल्ड फोल्डेबल फोन, जो कि कहते अपने दिखा दिया, बोला रहा है कि इस साल के अंत तक मैं लॉन्च कर दूंगा ऑनर, वावे और समथिंग एक और कंपनी है बोली जा रही है, ओप्पो भी, मतलब ये तीन फोन्स क्या रहेगा मामला वो तो आप सोच के बताइएगा। तो ठीक है, आज की इतना ही, कल नए न्यूज के साथ, तो आज के लिए गुड बाय कहिए और जाते थे लाइक सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कल मिलते हैं एक नए न्यूज के साथ, तो आज के लिए जय हिंद।